मैंने बेसिकली बहुत छोटे लेवल पे ये स्टार्ट किया था. मेरी बहन की बर्थडे थी, उसकी पिक्चर्स लेके मैंने अपने स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर. ये बात है 2013 और 14 की. कितनी अमाउंट का था फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर जो था वो मेरा 600 का गया था और जो मेरी इसकी कॉस्ट आई थी वो थी 250 रुपीज़. और इन 9 ईयर्स में जो है माशाल्लाह मैंने बेतहाशा जो है वो डांटे भी सुनी है, बेतहाशा मैंने लोगों से बातें भी सुनी है, कुछ लोगों ने डीमोटिवेट भी किया, लेकिन एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और जाहिर है कि अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी थी. आशा केबल नेटवर्क केबल की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम है. तमाम देखने वालों को कहूंगी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रमोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. व्यूवर्स आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बेल आइकॉन का बटन कौन दबाएगा? बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो सब आपके लिए तैयार की जाती है उन पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एसीएन टीवी. मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी यंगस्टर मौजूद हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में घर में केक बना के ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया और खासे पैसे को कमाए. इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. मैम बताएं कि आपका नाम क्या है? इकरा महनूर. इतना महनूर. अच्छा मैं बताइए किस तरह आपने बिजनेस का स्टार्टअप किया? मैंने बेसिकली बहुत छोटे लेवल पे ये स्टार्ट किया था. मेरी बहन की बर्थडे थी तो वहाँ उस पर मैंने छोटे से कपकेक्स वगैरह बनाकर उनकी डेकोरेट वगैरह किया था. घर का इवेंट था बेसिकली, उसकी पिक्चर्स लेके मैंने अपने स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर. ये बात है 2013 और 14 की, मतलब बहुत पुरानी बात है. उस टाइम पर मुझे खुद भी इतने प्रोफेशनल तरीके से कपकेक्स वगैरह बेक करना नहीं आते थे. इवन जो कपकेक के लाइनर्स होते हैं वो भी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे मार्केट में, तो मैं बटर पेपर या फिर जो गिफ्ट पेपर होते हैं उसको रैप करके उसके ऊपर उसके अंदर कपकेक्स बनाती थी. मतलब इतने छोटे लेवल पे स्टार्ट. आपके कहने का मतलब कि आपने क्लासेस वगैरह नहीं किसी कहीं से भी ली? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. उस टाइम पे तो क्लासेस दूर दूर की बात है. मतलब मुझे कुकिंग भी नहीं आती थी, मुझे बेसिक बेकिंग भी नहीं आती थी. तो बस ये था कि शौक बहुत ज़्यादा था. तो जब मैंने वो बनाया बेसिकली वो लुक्स में इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कि उनको देख के ना सब लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कि कितने क्यूट हैं, कितने क्यूट हैं. तो वो जब मैंने उनकी पिक्चर्स पोस्ट की तो जाहिर है उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं होता था केक आर्टिस्ट का, केक डिज़ाइनिंग का या फिर फॉन्डेंट केक से इतना ज़्यादा ट्रेंड था ही नहीं. तो जब मैंने वो पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की तो वहाँ से जब मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया, मेरी एक फ्रेंड ही थी उसने मुझे कहा कि ये बहुत प्यारे लग रहे हैं तो ये मुझे बना के दे सकती हो. आई वाज लाइक कि यार मैंने सेल के लिए नहीं बनाया. तो उसने कहा कोई बात नहीं, मतलब मुझे बना दो और जितने तुम कहोगी आई विल पे. तो फिर मैंने कॉस्टिंग वगैरह की कि अच्छा मेरी इतनी कॉस्ट आ रही है, इतने मेरे आर्स लग रहे हैं इस पे, तो मुझे इतने के सेल कर देने चाहिए. तो फिर मैंने उसके थीम के अकॉर्डिंग मैंने उसके कपकेक्स बनाए और फिर उसको सेल किया और वो उसकी पिक्चर्स लगाई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हो गई. जब आपने फर्स्ट टाइम बर्थडे के लिए डेकोरेट किए थे केक तो उनकी क्वान्टिटी कितनी थी? उनकी क्वांटिटी 15-20 थी, मतलब क्योंकि घर के लिए कपकेक्स थे. लेकिन जो मैंने बना के दिए थे वो 6 कपकेक्स थे. जो मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर दिया था वो 6 कपकेक्स थे. कितनी अमाउंट का था फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर जो था वो मेरा 600 का गया था और जो मेरी इसकी कॉस्ट आई थी वो थी 250 रुपीज़. उसकी रीज़न ये है कि मैंने 250 से इसलिए कह रही हूँ मैं आपको क्योंकि उसमें मेरे रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर रही थी ना. मतलब मुझे जो भी रिसोर्सेज वगैरह थे वो मेरे सब घर के रिसोर्सेज थे और मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी हाईली. तो मैंने 250 रुपीज़ इन्वेस्ट की और अपना फर्स्ट ऑर्डर दिया और वहाँ से मुझे 600 आया और फिर वो जो 250 रुपया मेरा प्रॉफिट था फिर मैंने आगे से उसके लिए नेक्स्ट ऑर्डर की परचेजिंग की. तो ये जर्नी बेसिकली इसी तरह से स्टार्ट हुई. हजारों की तादाद में मैं कर चुकी हूँ और बेतहाशा केक्स और कप केक्स और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मेन्यू में ऐड ऑन होती है. जैसे रमज़ान आया तो रमज़ान में हमने डेट प्लेटर्स लॉन्च कर दिए. डेट प्लेटर्स बेसिकली होता है कि हमने डेट्स को स्टफ़ करके डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आलमंड, पिस्ताचो, वॉलनट, इस तरह के डेट्स के साथ उसको डेकोरेट करके वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं. क्योंकि रमज़ान में केक्स वगैरह लोग बहुत कम लेते हैं तो जिसके घर भी जाते हैं कोई मतलब यू नो मतलब PR बॉक्सेस भेजने होते हैं तो वो फिर डेट प्लेटर्स की तरफ जाते हैं या कुरान पाक के बॉक्सेस हमने बनाए. तो बेसिकली ये चीज़ें हैं कि 2014 से लेकर अब तक मैंने खुद बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की थी. मैंने खुद बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी कि अपने बिजनेस को कैसे लेके चलना है, कुछ जो है वो चीज़ें टर्न कैसे करनी है, कोई नया सीज़न आ गया तो उसमें क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है. कि अब आप देख रहे हैं 2023 चल रहा है तो मतलब 9 ईयर्स की एक बहुत जर्नी है और इन 9 ईयर्स में जो है माशाल्लाह मैंने बेतहाशा जो है वो डांटे भी सुनी है, बेतहाशा मैंने लोगों से बातें भी सुनी है, कुछ लोगों ने डीमोटिवेट भी किया, लेकिन एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और जाहिर है कि अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी थी. मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस हाफ जो है वो खुद पे करी थी, हाफ मेरी स्कॉलरशिप पे थी. तो बस ये जर्नी स्टार्ट होती चलेगी और फिर मैं जो है इसके साथ आगे. ऑनलाइन वर्किंग के अलावा क्या कर रही हैं? ऑनलाइन वर्किंग के अलावा मैंने MBA कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं और इसके अलावा जो है वो मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह होती है. मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है अपनी हद तक तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ. इसके अलावा मज़ीद क्या करने वाली हैं फ्यूचर में?
वैसे तो अभी कुछ कसर रह नहीं गई करने वाली, मैंने काफी कुछ कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला जहाँ जहाँ रास्ते खोलते जाएंगे मैं जरूर। अभी आपके साथ इस तरह हुआ हो कि आपने कस्टमर का ऑर्डर ले लिया हो, आपने केक बना के उसको दिया हो, लेकिन आगे से उनकी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया हो या अमाउंट ना पे की गई हो, इस तरह का सीन हुआ कभी आपके साथ? मैं आपको बताती हूँ, एक दफा ऐसा हुआ था अभी बिल्कुल रिसेंटली रमजान में, ऐसा तो नहीं होता कि वो रिजेक्ट कर दें, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि अभी उन्होंने हाफ पेमेंट ना मैं हमेशा एडवांस लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जाहिर है कि आप अगर खुद स्कैम नहीं करें तो दूसरे का स्कैम भी टॉलरेट नहीं कर सकते, तो मुझे यही था कि मेरे साथ स्कैम ना हो, मैं इसीलिए 60% पेमेंट एडवांस लेती हूँ, लाजमी लेती हूँ। तो मैंने उनसे जो है वो डिमांड की कि उनका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, तो मतलब 770 बॉक्सेस थे उनके कुरान पाक के, तो उन्होंने मुझे हाफ पेमेंट कर दी, और उसके बाद मैंने उनसे ये डिस्कस करना था कि आपके किस दिन की डिलीवरी होगी, आप खुद पिक करेंगी, कैसे पिक करेंगी, कितने देर से पिक करेंगी, ये वो सब चीज़ें, उनका नंबर ऑफ। आई वॉज सुपर सरप्राइज कि इनका नंबर ऑफ हो गया, और मैं जो है वो वेट कर रही हूँ कि अच्छा मतलब ये रब्ता करेंगे, क्योंकि उन्होंने 1000 अमाउंट जो थी ना वो मतलब 50+ समझ लें कि 1000 अमाउंट ना उन्होंने मुझे सेंड कर चुकी थी। अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी आपके पास एक अमानत पड़ी है, आपने चीज़ डिलीवर करनी है, लेकिन अगले बंदे का नंबर ऑफ हो गया, और मेरे पास सिवाय उनके कॉन्टैक्ट नंबर की कुछ भी नहीं था, और रमज़ान था, तो अब मैं खुद से टेंशन ले रही हूँ कि अच्छा अब मैं इनसे कैसे रब्ता करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वो। 2-3 दिन बाद जाके उनका नंबर ऑन हुआ, और मैंने उनको धड़ाधड़ मैसेज किए हुए थे कि प्लीज़ मुझसे कोऑर्डिनेट करें, आपका नंबर ऑफ जा रहा है, व्हाट्सएप बंद है, तो कहती मैं तो उमरा करने चली गई थी, और मैं आप मुझे ऑर्डर दे के मुझे पेमेंट करके उमरा कर, कहती नहीं मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, मैंने आपका काम देखा हुआ है, मैंने आपका पेज विजिट किया हुआ है, तो मैं सेटिस्फाइड थी कि मुझे था कि आप अच्छा करोगे जो भी करोगे, तो मैं इसीलिए आपको हाफ पे करके मैं खुद उमरा करने से सली से चली गई थी। शायद फिर वो उमरा करके वापस आई, उन्होंने मुझसे अपना ऑर्डर बाकी का डिस्पैच करवाया, और फिर बाकी रिमेनिंग अमाउंट दी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे स्कैम्स वाले केसेस थोड़े कम ही हुए हैं, बल्कि हुए ही नहीं है शायद। अच्छा मैम, डेली बेस पे कितनी डिलीवरीज होती हैं आपकी? डिपेंड करता है डेज के अकॉर्डिंग, जैसे मदर्स डे था तो मदर्स डे पे आई हैड 15 केक्स एट द सेम टाइम, और संडे को बहुत ज़्यादा होता है, मंडे को यूजुअली रश कम होता है, क्योंकि आपको पता है मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है, लोग बर्थडेज और ये वो सब चीज़ें बहुत कम कर देते हैं, फिर ट्यूजडे से जो है ना वो फिर दोबारा सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा मार्केट्स में तो और भी काफ़ी कंपनीज हैं, ऑनलाइन केक्स मिठाई दूसरी भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके जो केक्स हैं, आपकी जो ऑनलाइन वर्किंग है, इसमें क्या डिफरेंट है? मैं आपको बताती हूँ, मेरी ना केक बोर्ड से लेकर ना केक की पैकेजिंग तक हर चीज़ डिफरेंट है। मुझे जो क्लाइंट ने अगर तस्वीर सेंड की है ना कि ये वाली आपने केक डिज़ाइन करना है, मेरा होता है कि मैं उससे भी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन करूँ, फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा होता है माशाल्लाह से। आपने देखा होगा अक्सर हम केक्स देखते हैं कि उन लुक्स में बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब आप कटिंग करते हो ना किसी का खाने का दिल नहीं करता, तो क्योंकि अंदर से ड्राई होता है, अंदर से मॉइस्ट नहीं होता, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीमी होता है। मेरा केक होता है हर चीज़ से बैलेंस, अगर मैंने केक बोर्ड डिज़ाइन किया तो वो भी मैं उनके थीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती हूँ कि जिसके ऊपर केक पड़ा है वो भी प्रेजेंटेबल लगे, केक पूरा इटसेल्फ प्रेजेंटेबल होता है, फिर केक की पैकेजिंग इटसेल्फ प्रेजेंटेबल होती है। तो बेसिकली क्लाइंट जब पे कर रहा होता है तो वो हर चीज़ को नोट करता है कि अच्छा हमें सर्विस में हर चीज़ में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होकर मिल रही हैं, फिर वो एक फुल पैकेज के थ्रू पे करता है। केक की तैयारी में कितना टाइम लगता है कम अज़ कम? डिपेंड करता है, अगर केक बहुत बड़ा है तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, अगर केक छोटा सा है तो उसमें भी अच्छा ये भी होता है, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में केक जो है वो नाराज़गी दिखाता है और वो मेल्ट होना ज़्यादा शुरू कर देता है, तो फिर हमें उसको थोड़ा थोड़ा रेडी करके चिलर में रखना पड़ता है, और फिर उसको रेडी करना पड़ता है, फिर चिलर में रखना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कस्टमर्स को किस तरह मुतमइन करते हैं? पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुतमइन करना थोड़ा मुश्किल था, बल्कि अब मैं वो वाले केक्स देखूँ तो मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ कि मैंने क्या बनाया था, लेकिन जाहिर है कि जब आप एक चीज़ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, बेसिकली आर्ट होता ही प्रैक्टिस का नाम है, आपने 7-8 साल एक चीज़ पर लगा दिया, आपका हाथ इतना क्लीन हो चुका होता है, आपकी सफाई इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, नीटनेस हाथों पर आ चुकी होती है कि आप कुछ भी बना लेते हो, तो क्लाइंट जो है ना मुझे वो मेरे पे माशाल्लाह जब मेरा काम देखते हैं, जब मेरा पूरा इंस्टाग्राम पेज विजिट करते हैं, तो वो बेफिक्र होकर आ जाते हैं कि हमने आपका काम देखा। इवन अब मेरे जो लाहौर से भी बाहर के क्लाइंट्स हैं, पिशावर के, कराची के, वो मुझे कहते हैं प्लीज़ लाहौर में बाद में ओपन करना आउटलेट, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पर जो है ना वो कोई आउटलेट ओपन करो, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे डिज़ाइनिंग यहाँ पे नहीं मिलती। मैम अगर आपको केक का किसी भी किस्म के केक का ऑर्डर देना हो तो कितना टाइम पहले आपको ऑर्डर देना चाहिए? मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि एटलीस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि ये होता है कि फिर उसमें होता है कि मैं अपना 100% पे करती हूँ उस पर, क्योंकि 2 दिन में मेरे पास इनफ टाइम होता है उसका फ्लेवर अच्छा बनाने के लिए, उस केक को बेक करने के लिए, उस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से मैं कर सकती हूँ, और ये होता है कि रशी में केक ख़राब नहीं होता, क्योंकि अगर एक दिन में अगर मेरे 5-6 केक्स हैं फिर मुझे सबको साथ में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आई प्रेफर कि एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है ना केक के इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में तो काइंड बता दें थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, केक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको ये बताऊंगी। जी बिल्कुल, केक के इंग्रेडिएंट्स बेसिकली हर किसी को ही पता होता है, मैदा, अंडे, चीनी, ये बटर सब चीज़ें डलती हैं, लेकिन मेरे फ्लेवर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं न्यूटेला प्रीमियम देती हूँ जिसमें मैं न्यूटेला पूरी की पूरी मेल्ट करके डालती हूँ, मतलब
मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक लेयर में डाल दी और काम खत्म। लॉटस बिस्कॉटी मैं बनाती हूँ तो लॉटस के साथ साथ मैं उसके बिस्किट्स के क्रम्बल भी डालती हूँ। वनीला कैरमल क्रंच है, मोस्टली लोग ये करते हैं वनीला सॉस बाजार से ही रेडीमेड ली और उसको आपने बना दिया। बेसिकली मेरा फोकस होता है होममेड चीज़ पे, तो अगर मैं वनीला बना रही हूँ तो मैं वनीला बटरस्कॉच खुद बनाती हूँ कि मैं बाद में खुद टेस्ट करके कहती हूँ ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बटर स्कॉच कैंडीज को मेल्ट करके जो है ना ये बटर स्कॉच बन गई है। तो बेसिकली मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। लास्ट में व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि डोंट फोर्ट फॉर द वेट फॉर द राइट टाइम, कि आपके पास कोई राइट टाइम आएगा, आपके पास बड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप अपना कारोबार शुरू करेंगे। आप छोटे से छोटे लेवल पे भी छोटे 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 रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए भी जितने भी आपके पास मौजूद है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपको मम्स किचन से इकरा महनूर से मिलाया, उनसे बात की, उनके बिजनेस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राणा आफ्ताब को दें इजाजत और देखते रहिए एशियन टीवी पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है।